हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? वेलकम टू माय चैनल अक्षय ओडिसी। हम लोग आज श्रीनगर में है और आज हम लोग एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विजिट करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो 1 अप्रैल को ये ओपन होता है, बट इस साल वो 19 मार्च को ही ओपन हुआ है। आज हम लोग वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको ट्यूलिप गार्डन के बारे में थोड़ी सी वहाँ पर जानकारी दूंगा और बहुत सारे हम वीडियोस वहाँ पे निकालेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे आपको घूमना है, कैसे आप अंदर की तरफ जा सकते हो, कैसे आप गाड़ियाँ वगैरह कर सकते हो और बहुत एंजॉय करने वाले। सो चलिए चलते हैं। हम लोग ट्यूलिप गार्डन पहुँच गए हैं। देखिए मेरे राइट साइड में अगर आप ये रोड देख रहे हो, सो यहाँ से आगे एक 500 मीटर की दूरी पे पार्किंग है, बस पार्किंग। यहाँ से आपको चल के आना है एंड देन आप यहाँ से आते हो, यहाँ तक आते हो। देखिए यहाँ पे 2 टिकट काउंटर्स है ऐसे, और टिकट है 59 का टिकट लेके आप यहाँ से सामने से एंटर करते हो और एंटर करने के बाद के नज़ारे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए ये है ट्यूलिप गार्डन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ब्लूम यहाँ पे आया हुआ है। पीछे बैकड्रॉप में आपको ये जो रेंजेस दिख रहे हैं, ये है जबरवान रेंजेस के नीचे ही इन्होंने ये बहुत सुंदर ऐसा ट्यूलिप गार्डन बनाया है। तो चलिए मैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ। कैसे लग रहा है आपको? ट्यूलिप्स बहुत खिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। हमारे गेस्ट भी एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको अगर ट्यूलिप गार्डन घूमना है तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए कश्मीर में, वो भी विनावल के साथ। मार्च के एंड से लेके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन खुला रहता है और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये नज़ारा दिख रहा है। ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा गार्डन है ये और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आप ट्यूलिप के थोड़े और नज़ारे देखिए।